उमा उमा मैं सच कहता हूं मिल गया। डॉक्टर साहब क्या हुआ जिसके लिए रसोई खाने से मुझे फिर बुलाना पड़ा? देख तो सही पगली, जिसके लिए मैं कोशिश कर रहा था उस अमृत रस का पता मिल गया। उम्मा ख्याल कर, ये वो दवा है कि जिससे लाखों आदमियों की जिंदगी बच सकती है। मैं तो पहले ही जानती थी। क्या? यही कि मेरे प्राणनाथ एक अजीब शक्ति हैं। लेकिन तुझसे ज्यादा नहीं उमा, मेरे प्रेम की जोर। माँ, ओ माँ। लहर, तुझे मालूम है तेरे पिता ने दुनिया पर एक अनमोल भय जाहिर किया है। और ये भी तुझे मालूम है कि तेरी माता ने तुझ जैसा एक कीमती जवाहर मुझे अर्पण किया है। हाँ, अब यह कीमती जवाही एक और अनमोल भेद को अपने सीने से लगा रहा है। देखो वो रहा बेलून जिसमें हम कल सफर करेंगे। लेकिन रामू, मैं तो तुम्हारे लखपति पिता के पास जाते हुए घबराती हूँ। वो कभी नहीं भूलेंगे कि मैं यानी उनकी बहू एक गरीब और मोहताज औरत। बोली नाहक फिक्र करती।
मेहरबानी ली, चोर को रास्ता किधर से गया है? यहां से सीधे निकल जाइए। थैंक यू। हेलो राय साहब, मुकुंदलाल जी, कैसी अच्छी मुलाकात। हेलो बिहारी लाल, आ,
बिहारी लाल मेरी पालक बेटी लीला से मिलिए। लीला ये नामी सैया बिहारी लाल हैं। इन्होंने सारी दुनिया का सफर किया है। हाउ डू यू हाँ, लेकिन आप यहाँ कैसे? मैं तो अमृत रस की तलाश में निकला हूँ, लेकिन आपको कौन सी शक्ति यहाँ खींच लाई? ये नेक औरत। बस कीजिए ना बापूजी। लीला की खबर अनुसार मैं अपने पोते की तलाश में निकला हूँ। वो तो अपने माँ बाप के साथ मर चुका है ना? वनराजपुर के लोग एक बनमानस की तरफ इशारा करते हैं, वही डॉक्टर रमणी का लड़का होगा। लेकिन इसका सबूत? सिर्फ मेरे दिल की गवाही। हेलो जंगल जी, क्या सेबिया पी रहे हो? हेलो जंगल जी, क्या सेबिया पी रहे हो? हेलो बिहारी, मिस लीला। दिलावर कहाँ है? लो अपना गाइड भी आ गया। क्यों दिलावर, सब चीज तो तैयार है ना? जी हाँ। थैंक यू। लेकिन यहाँ के लोग वनराजपुर के जंगल में रहने वाले एक बनमानस से डरते हैं, जिसका नाम कार्जन है। कार्जन? मेरा पोता कार्जन? ऐसा प्यारा नाम है। अरे हाँ दिलावर, सेठ बिहारी लाल भी अपने साथ आने वाले हैं। और किधर भी नहीं जाता। बापूजी, हमें नौकर की कमी है, इसको भी साथ ले चलो। ए, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम बंडल। बंडल? हाँ। बंडल नौकरी करेगा? हाँ। तो सुन, तुझे हमारे साथ चलना होगा। जितना चाहे उतना बंडल उठाना, लेकिन उड़ाना नहीं, समझा? सुबोध, लेकिन कहाँ जाना होगा? वनराजपुर के जंगल में एक बनमानस की तलाश में। एक जंगली के बच्चे। जाम से, जाम से, बना जंबो, बना जंबो, जाम से, जाम से, बना जंबो, बना जंबो।
लीला, मुझे तो तुम्हारे पास ही रहकर खिदमत करनी होगी। फिक्र ना कीजिए, मैं अपना इंतजाम खुद कर सकती हूँ। लेकिन ईश्वर ना करे किसी जंगली जानवर ने हमला किया तो? तो ये मौजूद है। लेकिन फिर भी देखो, बाप रे बंडल मर गया। बस ऐसा मालूम होता है कि वनराजपुर में मजे उड़ा रहा हूँ। Yo,
क्या हुआ? दिलावर जी, ये रास्ता कौन सा है? हम लोग आदम खोरों के मुल्क की सरहद पर से जा रहे हैं। तो फिर उनके ढोल ताशने की आवाज़ क्यों नहीं सुनाई देती? अजी जाने दो, आवाज़ सुनने को या कोई तैयार भी नहीं है। कोई दिखाई नहीं देता। वक्त गवाने से कुछ हासिल नहीं, चलो जल्दी निकल चले। बंदूक और रिवॉल्वर तैयार रखना। Oh!
Thank you.
वो तो जा रहा है। कार्जन, कार्जन, बेटा कार्जन, आओ आओ मुझसे मिलो। कार्जन, कोई उसे रोको, रोको बेटा कार्जन, कार्जन। कार्जन, आओ बेटा एक बार मिलो तो सही। कार्जन, कार्जन, ये तुम्हारे दादा हैं, इनसे मिलो ना। दादा, दादा, दादा। नहीं नहीं कार्जन, तुम नहीं समझते, हम पर विश्वास रखो, आओ इनसे मिलो। दादा, दादा, मोती, राजा। राजा हो, राजा हो। कार्जन, आओ। कार्जन, इनसे मिलो। लावर, ये पगली कौन होगी? साहब, मैं नहीं जानता। नहीं जानता, नहीं पहचानता। जो बेवकूफों का सरदार है वो मुझे नहीं जानता। जिसका दिमाग चकरा गया हो वो मुझे नहीं पहचानता। कार्जन को रोकने की एक ही तरकीब। लीला, मुझे छोड़ दो, मैं सिर्फ कार्जन के पांव पर गोली छोड़ूंगा, छोड़ दो। यारी, यारी, छोड़ दो मुझे। बिहारी, ये तुम क्या कर रहे थे? अपना फर्ज। कार्जन के पांव को जख्मी करके उसको आपके पास रखना चाहता था, लेकिन तुम्हारा निशान तो उसके जिस्म पर था। बेवकूफ, तू निशानाबाजी को क्या जाने? मुझ जैसा एक पक्का शिकारी और कभी भी ऐसी भूल कर सकता है? बिहारी साहब, भूल की बात तो छोड़ दो,
मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि अगर कार्जन की जान को कोई खतरा हो जाता तो ये लोग उसके मारने वाले को कभी जिंदा नहीं छोड़ते। अफसोस, मेरा बच्चा हाथ से निकल गया। जो होना था सो हो गया। अब हमें इन आदमखोरों के मुल्क से जल्द निकल जाना चाहिए। मैंने 3 टुकड़े रखे थे, दो कैसे हो गए? लीला भाई, कार्जन कपड़े पहने या नंगा रहे, लेकिन वो एक जेंटलमैन है और मैं उसे बहुत ही पसंद करता हूँ। ठहरो। बिहारीलाल, तुमने किस पर गोली छोड़ी? कार्जन के जंगली साथी पे। खैर, बदमाश। वो जा रहा है। खैर जा, बिहारीलाल नहीं। छोड़ दे मुझे। नहीं। लेकिन वो कार्जन नहीं है, उसका साथी है। मुझे छोड़ दो।
लीला बच्ची क्या हुआ? क्या हुआ? बिहारलाल सेठ कार्जन के साथी पर बंदूक चलाना चाहते थे और लीला बाई शेख जी पर पिस्तौल चलाने को तैयार थी। नॉनसेंस। पहले तो कार्जन पर बंदूक चलाने में दखल दिया, बाद में उसके जंगली साथी के लिए भी मना किया। अब मैं समझता हूँ कि मुझे उसके कुत्ते पर भी पिस्तौल न छोड़ने देंगी। बिल्कुल सच कहा। अगर किसी ने भी कार्जन या उसके साथी को नुकसान पहुँचाया तो इस पिस्तौल का सामना करना पड़ेगा। मोती सकता हूँ। क्यों कैसे आना हुआ? लीला नींद से बेदार होते ही कुछ ऐसा ख्याल आया कि जंगल की कोई परी अपनी मधुर आवाज से गा रही है। इधर उधर देखने से ये मालूम हुआ कि तुम्हारे कमरे से ये धुन आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ आ पहुंचा। तो क्या देखता हूँ कि एक परीजात को भी शर्मा देने वाले तुम्हारे खूबसूरत मुंह से ये आवाज निकल रही है। बस करो बेहरीलाल जी, मैं ज्यादा सुनना नहीं चाहती। नहीं लीला, नहीं, मुझे नफरत की नजर से ना देखो, मैं तुम्हारा सच्चा प्रेमी। Oh, my God.
जाओ, कुछ भी करके उसको पकड़ लाओ, लेकिन जिंदा लाना, जिंदा लाना। बहुत अच्छा, चलो। जिंदा लाना, जिंदा लाना। जंगली? तुम जंगली, तुम जंगली। उफ, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? बोलो, मैं जंगली? मैं जंगली? जाने दो, कोई भी जंगली नहीं। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? अगर तुम शहर में होते तो मैं जरूर तुमको पुलिस के हवाले कर देती। ठीक हुआ कि मेरा वैनिटी बैग मेरे साथ में है। ईश्वर जाने तुम्हारी उद्धम चौकड़ी से मेरा क्या हाल हुआ होगा।
मथुरा के पेड़े नहीं जो तुम खाना चाहते हो, ये तो पाउडर है। पाउडर? हाँ पाउडर, यानी इसको चेहरे पर लगाकर शहरी लोगों के खूबसूरत बनने की तरकीब है। देखो मोती, मोती। मोती, कितना अच्छा कुत्ता है। जो मैं तुम्हारी बजाय इसके साथ खेलूंगी। कभी किसी को किस लेते हुए देखा है या नहीं जो भैंसे की तरह चिल्लाने लग गए? दादा, मैं कोई रूई की बनी हुई हूँ जो उछाल फेंक करते हो जंगली कहीं? अरे अरे फिर शुरू कर दिया, छोड़ दो। देखो कार्जन, अब मैं कैसे दिखाई देती हूँ। राजा, राजा Oh, my God.
राजा हाँ। जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलूंगी। कार्सन, ये क्या करता है? बदमाश कहीं का। चाहता है कि तुम्हें शहर में ले जाने के बजाय सारी जिंदगी तुम्हारे साथ यहीं गुजार दूं। कार्जन? नहीं, तुम कार्जन और मैं लीला हूँ। कार्जन लीला? राइट। Lila!
कार्जन, ईश्वर का उपकार है कि तुमने पता पाई। सचमुच मैं तो घबरा घबरा के मर गई थी। अरे नहीं नहीं कार्जन, ऐसा ना कर, मैं ना जाऊंगी, नहीं कार्जन, नहीं नहीं कार्जन, मेरे बालक को ना छुओ, देखो मैं मारूंगा। ये बात है तो मैं नहीं रहूंगी। कार्जन को लेने आए और लीला को भी खो बैठे। दिलावर जी हुजूर, आज शाम तक लीला या कार्जन का पता न चला तो बनराजपुर को आखिरी सलामी देकर वापस लौटेंगे। लेकिन मैं वापस जाना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि कुछ भी हो मुझे तो अमृत रस का पता ढूंढ निकालना है। Ha ha ha!
नहीं कहा था कि कार्जन तुम्हारा नहीं होगा? लेकिन भाई तू है कौन? मैं उमा हूँ, उमा जो कभी नहीं मर सकती। उमा, जरूर इसके बोलने में कोई भेद है। सुनो, मेरा खामिन तो जंगल का राजा था, उसने बड़ी जहमत उठा के अमृत रस का भेद खोला था। उसकी ये तासीर थी जो कोई उसे पिए वो कभी नहीं मर सकता। लेकिन अफसोस, खुद रमनिक ने वो अमृत रस नहीं पिया। रमनिक, मेरा बेटा, इसको अपनी कहानी सुनाने दो। हे परमात्मा, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। आ बेटी, अपने अभागी बाप से मिल। दूर दूर हो जा, तुम शैतान के मुरीद हो, शहर के बाशिंदे हो, जंगल का रईस नहीं। सच है, मैं पापी हूं, संसार के झूठे रस्म रिवाज का गुलाम बनकर मैंने ही अपने बेटे की जान ली है। हे परमात्मा, क्षमा। आदमखोरों की आवाज, चलो जल्दी यहां से निकल चलें। जलता तन में दिया बसे
थोड़ी सी आजादी दे दी और उसकी जंगली चाल को चला लिया तो क्या तेरी भी बेहुदा चाल चल जाएगी? मोती 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 तो कहाँ है? लीला बच्ची, ईश्वर का उपकार कि तू अभी जिंदा है। हाँ, लेकिन थोड़ी देर के लिए। लीला तो नहीं पहुंचाया? बल्कि इन आदमखोरों से। मैंने नहीं कहा था कि कार्जन हमारा दोस्त है? लेकिन यहाँ से भागने का कोई रास्ता भी है या नहीं?
कोई नहीं। मैंने नहीं कहा था क्या? चुप रहो। दिलावर, आदमखोर हमें क्या करेंगे? शायद जिंदा खाल निकाल लेंगे, शायद भून कर खा जाएंगे, शायद गर्म पानी में डाल के मम्मी आई निकालेंगे, शायद भयंकर गोरिला का शिकार बना देंगे। बाप रे गोरिला! मैंने नहीं कहा था कि वनराजपुर के जंगलों में खतरा है? अगर कार्जन को खबर लग जाए तो वो जरूर मदद को आए। कार्जन, कार्जन, अगर किसी रास्ते से कार्जन को खबर दी जाए तो इस जंगली कुत्ते को क्या हो गया? कार्जन का नाम लेते ही मोती भूखने लगता है। बापू जी, मैं समझ गई, मोती कार्जन को बुलाना चाहता है। क्या कहा? कार्जन को? हुर्रे! मैंने नहीं कहा था कि प्रोफेसर मोती हमारा दोस्त है? खिड़की में से कूदना चाहता है, लेकिन खिड़की से बाहर 100 फुट गहरी खाई है। ये मर जाएगा। रुको, रुको, कोई आगे रुको, रुको, रुको। जाने भी दो, इसके जिंदा रहने से हमें क्या फायदा होगा? वो जिंदा है। ईश्वर का उपकार। हुर्रे! बिल्कुल तुम लो आ गए मम्मी आई निकालने को। गुबो गो के नो गो।
ये क्या पिलाओस है? धक्के क्यों देता है? Ah!
मेरे रास्ते से हट जाओ। कार्जन के गले में जो तावीज है उसमें अमृत रस का भेद छुपा हुआ है, मैं वो चाहता हूँ। नहीं नहीं बहरीलाल, मेरे रास्ते से हट जाओ। लीला, मेरे रास्ते से हट जाओ वरना मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। जिस चीज के लिए मैंने वनराजपुर के जंगलों में मुसीबतें उठाई हैं, वो मेरे सामने मौजूद है, मैं इसे जरूर हासिल करूंगा। ओ, 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 ओ। ये बात है तो पहले तू ही मरने के लिए तैयार हो जा। ये कहाँ जा रहा? आ जा बदमाश! ये क्या कर रहा हो? आ जा! आ जा! आ जा! आ जा! ये बना कहाँ जाएगा? बाबूजी, कार्जन के गले में जो तावीज है वो बहरीलाल छीन लेना चाहता था। उमा, मैं उमा हूँ, उमा जंगल की रानी। उमा, उमा बेटी। हे ईश्वर, विश्वास के लिए कोई बचाओ मुझे। अरे बना से बस छुड़ाओ, अपने बचाओ। वो तमाम किस्सा मुझे याद आया। इस पिस्तौल की गोली ने मुझे होश में ला दिया। नहीं मोहरम लिखी, बस नसीब पत्नी हूँ मैं। उसने अमृत रस के नुस्खे का ताबीज बनाया और मेरे बेटे लहर के गले में डाल दिया। शहरों ने हम पर हमला किया, मेरा पति मारा गया, दादा मेरे बच्चे को बैलून में ले गया। मैं होशो हवास खो बैठी, पागल हो गई। हे ईश्वर, बेटी उमा खुश हो जाओ, यही कारण तुम्हारा बेटा लहर है। मेरा बेटा, अब मुझे जीने मरने का कोई गम नहीं।
क्योंकि मेरा बच्चा जिंदा है। माँ माँ नहीं नहीं उमा, ऐसा ना कहो। अब मेरे लिए लीला नहर हो गई। अरे नहीं, ये मरी जाती है। बेटा बेटा मुझे माफ करना। माँ माँ क्या कह रही है? बापूजी मुझे जाने दो। नहीं नहीं लीला, ईश्वर के लिए ठहर जाओ। नहीं बापूजी, आप नहीं समझ सकते, मेरा जीवन कार्जन के साथ है। लेकिन बच्ची। नहीं बापूजी। कैसे जाने दूं लीला? लीला लीला मुझे जाने दो। बेटा ठहर, लीला सुनो तो सही। बापूजी कार्जन का तो ख्याल करो। लीला मुझे छोड़ के न जाओ। लीला मुझे मत रोको। बेटी। नहीं बापूजी, कार्जन मुझे चाहता है। लीला ठहर। नहीं नहीं, मैं कार्जन को चाहती हूँ। लीला लीला बच्ची, लीला बच्ची। जनाब, ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। खुदा उन दोनों का जीवन आबाद रखे। ये गुलशन तुम्हारा, खुद
सदा रखे आबाद जीवन तुम्हारा, रखे आबाद जीवन तुम्हारा। खुश रहो खुश रहो।